राहुल गांधी किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए संसद मार्ग पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें लाइव इस वक्त की। किसान आंदोलन कर रहे हैं, संसद मार्ग पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस बीच किसानों से मिलने के लिए, उनके इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और किसान कर्ज माफी को लेकर, फसलों को एमएसपी रेट को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में किसानों का साथ देने के लिए पहुंच गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी, इससे पहले भी तमाम पार्टियों के नेताओं को किसानों के इस आंदोलन में शामिल होते हुए देखा गया और यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि किसान क्या वाकई अपनी बात, अपना पक्ष रख रहे हैं या किसानों के जरिए यहां पर सियासत की जा रही है इस आंदोलन के दौरान। आपको मैं और भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दो स्पीकर हैं, शरद यादव जी और राहुल गांधी जी, अब मेरे साथ खड़े हैं नाना पटोले जी। इमरान खान को वो फरिश्ता बताते हैं, इमरान खान उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, इमरान खान उनको कहते हैं कि भारत का प्रधान। आज हिंदुस्तान के सामने दो बड़े मुद्दे हैं, एक मुद्दा हिंदुस्तान के किसान के भविष्य का मुद्दा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार का मुद्दा। ये दो मुद्दे हिंदुस्तान के सामने हैं और लड़ाई है तो युवाओं और किसानों के भविष्य की लड़ाई है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा है, कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सही दाम दिलवाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था बोनस मिलेगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी और आज हालत क्या है? आप बीमा का पैसा देते हो, अनिल अंबानी जी की जेब में आपका पैसा जाता है, देश में डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, किसान ये भी नहीं चुन सकता है कि कौन सी कंपनी का बीमा ले, हिंदुस्तान को बांट रखा है, कहीं अंबानी को कहीं अंडानी को। आपका कर्जा माफ नहीं किया जाता, आपको सही दाम नहीं दिया जाता और खोखले भाषण किए जाते हैं। हिंदुस्तान का किसान मोदी जी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा है, मगर हिंदुस्तान का किसान यह कह रहा है अगर आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की एयरफोर्स का पैसा दे सकते हो, अगर आप अपने 15 मित्रों को 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हो तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे खून के लिए, हमारे पसीने के लिए भी आपको हमें कर्जा माफ करके देना ही पड़ेगा।